पूरे भोजपुरी सिने जगत में गणेश उत्सव की धूम है। सभी सितारों के घर पर गणपति बप्पा पधार रहे हैं। बप्पा का स्वागत भी अत्यधिक भव्य तरीके से किया जा रहा है। गणपति उत्सव की धूम ठीक इसी तरह से अभिनेत्री अनारा गुप्ता के घर पर भी देखने को मिली है। अनारा का पूरा परिवार इस पर्व पर एक साथ मौजूद था। हर किसी ने मिलकर गणपति जी की आरती की और पूरा माहौल पूर्णतः पावन व मंगल हो गया। इस अवसर पर अनारा और उनके मंगेतर ने काफी सारी बातें मीडिया के सामने रखी। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी आशीर्वाद मिला सब लोगों से। घर पे जाके पूजा भी करनी है, हमारे घर पे भी पूजा हुई है। बप्पा का दिन ही इकलौता ऐसा दिन होता है जब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है बॉम्बे में, वरना हर दिन तो भाग दौड़ में निकल जाता है। इसके बाद जब अनारा और करण के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए करण और अनारा ने क्या क्या कहा। आज मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है ना, तो आज हमारी फैमिली में गणपति बप्पा पहली बार आए, ये बोल सकते हैं। काम तो बप्पा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, बस एक जल्दी से एक अच्छा घर हो जाए। घर होने के बाद साथ में शादी हो जाएगी, फिर बस फिर बप्पा ही बप्पा है। ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है और हमारा पहला गणपति है साथ में और गणपति आए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो जैसे आए हैं अपने साथ बहुत ढेर सारी खुशियाँ, सक्सेस, करण के लिए बहुत सारा अचीवमेंट्स, पैसा, दौलत, शोहरत सब लेके आए। इनकी खुशियाँ देखकर तो यही लग रहा था कि मानो गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ इनके घर में खुशियाँ दुगनी होकर आई हो। वैसे इन खुशियों को अनारा की होने वाली सासू माँ और करण की माँ ने भी हमारे साथ साझा किया और सबको इस अवसर पर खूब सारी शुभकामनाएं दी हैं। सभी को, भारतवासियों को सबसे पहले गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत बधाई, हार्दिक स्वागत उनका। हमारे घर आज गणपति बप्पा आए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती। कल ढोल ताशे से आए हुए हैं और हम लोगों ने काफ़ी कुछ तैयारी किया हुआ है। कल परसों में अभी भजन संध्या है, फिर एक दिन हमारे यहाँ एक जो अपन लोग रामायण पढ़ते हैं वो पाठ है। सारी चीज़ें 5 दिन एक अलग अलग प्रकार से उनके लिए भोग बनेगा, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम किया जाएगा और हम इस अवसर पे सभी को आमंत्रित भी करना चाहते हैं कि सभी लोग आइए हमारे घर में, प्रसाद और भजन का दोनों का आनंद लीजिए और सबको फिर से दोबारा बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बप्पा से क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहेंगे? बप्पा से मेरा इकलौता बेटा है और अनारा अभी फिलहाल उनकी साथी हैं, दोनों जन हैं और एक माँ क्या चाहती है, अपने बच्चों का ही खुशी चाहती है। तो बप्पा से यही कहेंगे कि जितने खुशी से आप आए हैं उससे कहीं ज्यादा मेरे बच्चों को खुश रखे और वैसे ही खुशी खुशी सब आए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।